बहुत समय पहले शांतिपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक एक बड़ा सा राक्षस उस गांव में आ जाता है। राक्षस के शरीर का आकार एक पेड़ के जितना बड़ा था, साथ ही उस राक्षस के पास दो बड़े बड़े तबला घर मौजूद थे। राक्षस दोनों तबले जमीन पर रखकर उन्हें बजाना शुरू कर देता है। फिर अगले ही पल तबले की आवाज सुनकर कुछ लोग राक्षस के पास आ जाते हैं। तभी अचानक दोनों तबले घर का दरवाजा खुल जाता है और सभी लोग दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद राक्षस दरवाजा बंद कर देता है। आज तो मैंने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया है, चलो अब मैं अपने टापू पर वापस जाता हूँ। उसके बाद राक्षस एक समुन्दर के किनारे पहुंच जाता है। फिर वह एक बड़ी सी नाव पर दोनों तबला घर लेकर सवार हो जाता है और नाव को चलाते हुए टापू पर पहुंच जाता है। उसके बाद राक्षस तबले घर के अंदर से सभी लोगों को बाहर निकालता है। अरे तुम हमें यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हो? आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम सबको शैतानपुर में रहने वाली रानी चुड़ैल के हाथों बेचने वाला हूँ। उसके बाद रानी चुड़ैल तुम सबको अपनी गुलाम बनाकर अपने पास रखेगी। नहीं नहीं, हम पर ऐसा अत्याचार मत करो। देखो हम बाल बच्चे वाले लोग हैं, दया करके हमें छोड़ दो, हमें हमारे परिवार के पास जाना है। मेरी मर्जी के बिना इस टापू से कोई बाहर नहीं जा सकता। देखो अगर तुमने ज्यादा बात की तो मैं इसी वक्त तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। इतना कहकर राक्षस उस आदमी को अपने बड़े बड़े दांत दिखाने लगता है। खतरनाक दांत देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो तुम सब मेरे लिए खाना बनाओ। इतना कहकर राक्षस अपनी जादुई शक्ति से वहाँ खाना बनाने के लिए ढेर सारे बड़े बड़े बर्तन प्रकट कर देता है। उसके बाद राक्षस समुन्दर में हाथ डालकर ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर बाहर निकाल लेता है। चलो जल्दी से स्वादिष्ट मछली करी बनाकर तैयार करो, और हाँ अगर मछली टेस्टी नहीं हुई तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। इतना कहकर राक्षस नाव में बैठकर समुन्दर में घूमने चला जाता है। हे भगवान, ये हम कैसी मुसीबत में फंस गए? वह राक्षस तो बहुत खतरनाक है, लगता है अब हम अपने बीवी बच्चों से कभी नहीं मिल पाएंगे। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारी किस्मत बहुत खराब है जो हम उस राक्षस के चंगुल में फंस गए। अब तो हमारा भगवान ही मालिक है। वही दूसरी तरफ उन सभी लोगों के अचानक गायब होने से उनके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ, पिताजी अचानक कहाँ चले गए? मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं पता बेटा, लोग कहते हैं तुम्हारे पिताजी को कोई बड़ा राक्षस अपने साथ उठाकर ले गया है। पता नहीं अब तुम्हारे पिताजी का क्या होगा। तुम चिंता मत करो माँ, मैं पिताजी को बचा कर ले आऊँगा। उसके बाद बबलू अपने पिताजी को ढूंढने घर से बाहर निकल जाता है। चलते चलते बबलू एक जंगल में पहुंच जाता है। तभी अचानक एक शेर बबलू पर हमला कर देता है। बबलू मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहां जादूगर प्रकट हो जाता है और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर शेर को रस्सी से बांध देता है। ओए, अब ये शेर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तू इस जंगल में क्या करने आया है बेटा? लोग कहते हैं एक राक्षस मेरे पिताजी को किडनैप करके ले गया है, मैं अपने पिताजी को बचाने जा रहा हूँ। क्या कहा, एक राक्षस? तो चिंता मत कर, मैं अपने जादुई गोले की शक्ति से तेरे पिताजी का पता लगा लूंगा। उसके बाद जादूगर बबलू को अपने घर ले जाता है। फिर जादूगर अपने जादुई गोले को सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगता है। तभी उसे अपने जादुई गोले में राक्षस और उसके पास कैद सारे लोग दिखाई देने लगते हैं। उन लोगों के बीच में बबलू अपने पिताजी को पहचान जाता है। देखो जादूगर अंकल, वो रहे मेरे पिताजी। ओए हाँ,
तेरे पिताजी के साथ वहाँ और भी बहुत सारे लोग कैद हैं। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं इस राक्षस को मजा चखाकर इन सभी लोगों को आजाद करा दूंगा। फिर जादूगर बड़े ध्यान से राक्षस की बातें सुनने लगता है। अच्छा तो ये बात है, ये इन सभी लोगों को रानी चुड़ैल के हाथों बेचना चाहता है, मुझे फौरन कुछ करना होगा। फिर अगले दिन जादूगर बबलू को लेकर अपनी जादुई झाड़ू पर सवार हो जाता है और हवा में उड़ता हुआ राक्षस के टापू पर पहुंच जाता है। ओए राक्षस, इन सब लोगों को छोड़ दे वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। अच्छा, मेरे टापू में आकर तू मुझे धमकी दे रहा है, ठहर जा, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। उसके बाद राक्षस अपने दोनों जादुई तबला घर को बजाना शुरू कर देता है। फिर देखते ही देखते बबलू और जादूगर दोनों उस आवाज को सुनकर राक्षस के वश में हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए एक तबला घर के अंदर चले जाते हैं। फिर राक्षस दरवाजा बंद कर देता है। मैंने इन्हें कैद कर दिया, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे भगवान, इस राक्षस ने मेरे बेटे को भी कैद कर लिया, अब यह राक्षस मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी रानी चुड़ैल के हाथों बेच देगा। ओए बच्चे, मेरे होते हुए तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद जादूगर अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहाँ एक बड़ा चूहा प्रकट कर देता है। चल मेरे प्यारे चूहे, जल्दी से इस तबला घर को काट कर हमें बाहर निकाल। यह सुनते ही चूहा अपने नुकीले दांतों से तबला घर को काटना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में तबले की दीवार पूरी तरह कट जाती है। उसके बाद जादूगर बबलू के साथ घर से बाहर निकल आता है। अरे, अचानक ये दोनों तबला घर से बाहर कैसे आ गए? तभी जादूगर का चूहा भी घर से बाहर निकल आता है। चूहे को देखते ही राक्षस घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मर गया रे, अचानक ये चूहा यहाँ कैसे आ गया? अरे इसे भगाओ, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। यह सुनकर जादूगर खुश हो जाता है। ओए चल मेरे जादू चूहे, इस राक्षस को सबक सिखा। फिर जादूगर का चूहा राक्षस के ऊपर हमला कर देता है और राक्षस डर के मारे बेहोश हो जाता है। उसके बाद जादूगर और वहाँ मौजूद सभी लोग राक्षस के शरीर में एक बड़ा सा पत्थर बांध देते हैं। फिर वे सभी लोग राक्षस को उठाकर समुन्दर के गहरे पानी में फेंक देते हैं। इस तरह पानी में डूबकर राक्षस की मौत हो जाती है। उसके बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और हंसी खुशी फिर से अपना जीवन जीने लगते हैं।